हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि ये टर्न टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टर्न टू के बारे में जानें। फ्रेंड्स, आपको अपने डेली लाइफ में अक्सर ये कहना होता है कि अब मेरी बारी है, या अब तुम्हारी बारी है, या अब उसकी बारी है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि अब मेरी बारी है, या तुम्हारी बारी है, या उसकी बारी है, यानी मेरा मौका है, उसका मौका है, या उन लोगों का मौका है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इट इज टर्न टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो अंग्रेजी बोलने की आपकी बारी है, तो आप कहेंगे इट इज योर टर्न टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने की मेरी बारी है। तो मैं कहूंगा इट इज माई टर्न टू टीच इंग्लिश। फ्रेंड्स, अक्सर हमें दोस्तों में ये सेंटेंस तो बोलना ही पड़ता है कि अब खर्च करने की बारी तुम्हारी है, या तुम्हारी बारी खर्च करने की है, तो आप कहेंगे इट इज योर टर्न टू स्पेंड। बैटिंग करने की उसकी बारी है, इट इज हिज टर्न टू डू बैटिंग। कई बार फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं बॉलिंग करने की मेरी बारी है। तो अगर आपको कहना हो कि बॉलिंग करने की मेरी बारी है, तो आप कहेंगे इट इज माई टर्न टू बॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो खाना पकाने की तुम्हारी बारी है, तो आप कहेंगे इट इज योर टर्न टू कुक फूड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बिल भरने की बारी तुम्हारी है, तो आप कहेंगे इट इज योर टर्न टू पे बिल। आज ऑफिस में काम करने की बारी तुम्हारी है, तो आप कहेंगे इट इज योर टर्न टू वर्क इन द ऑफिस टुडे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो यह पहेली सॉल्व करने की बारी मेरी है, तो आप कहेंगे इट इज माई टर्न टू सॉल्व दिस पजल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि मेरी बारी है, तुम्हारी बारी है, उसकी बारी है, तो आप कहेंगे इट इज माय टर्न, इट इज योर टर्न, इट इज हिज टर्न, इट इज हर टर्न। उसके बाद आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे इट इज माय टर्न टू स्पीक इंग्लिश, इट इज योर टर्न टू स्पीक इंग्लिश, इट इज हिज टर्न टू स्पीक इंग्लिश, इट इज हर टर्न टू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये लेसन समझ में आया, तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो इट इज my टर्न टू शेयर दिस वीडियो, तो क्या बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।